फाइव स्टार्ट करी क्वेश्चन में फाइव में क्या बोले एस एंड टी आर द पॉइंट्स इन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, बोले कि एक ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर, इसमें दो पॉइंट देखे पी आर पे है तो मेरा एस और क्यू आर पे है मेरा टी, ज्यादा क्लियर है। एस एंड टी आर द पी आर एंड क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल पे। और इन्होंने क्या बोला एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा अच्छा सर प्रूफ करने के लिए गिवन में हमें बस ये है कि एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के। मुझे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है मेरे को कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है हमारा, ये छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। समझ बात स्टार्ट करें। अब मुझे सबसे पहली बात है छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये छोटे वाले में टी बड़े वाले पी एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल ये पी इक्वल है एंगल आर टी एस में। जैसे पहले लिख दो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हम ट्राइंगल बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा आर टी एस, इन ट्राइंगल आर टी एस, और बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा आर क्यू पी एंड ट्राइंगल आर क्यू पी। मुझे पता है छोटे वाले का टी बड़े वाले के पी के इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के। ये तो मुझे क्वेश्चन में पहले गिवन था। उसके अलावा ये जो एंगल आर है छोटे वाले में भी आ रहा है बड़े वाले में भी आ रहा है, तो एंगल आर इक्वल हो जाएगा एंगल आर के, क्योंकि ये दोनों में क्या है कॉमन। अब सिमिलैरिटी प्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं, या तो एंगल 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 आ जाए, या साइड 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 आ जाए, या साइड एंगल साइड आ जाए, या फिर एंगल एंगल आ जाए। मैंने दो एंगल इक्वल कर दिए तो बोल सकते हो दोनों सिमिलर है। हाँ, तो बोल देता हूँ एंगल आर टी एस सिमिलर है एंगल आर क्यू पी के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्वेश्चन में ये प्रूव करना था, प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।